हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी 6 मार्च यानी कि कल चित्रकला विषय का पेपर देंगे, मैं लेकर के आ चुका हूँ आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए चित्रकला विषय का मॉडल पेपर। और ये वायरल मॉडल पेपर है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इसे यूपी बोर्ड ने जारी किया था। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 6 मार्च यानी कि कल चित्रकला विषय का पेपर देने वाले हैं, पेपर सेम इसी पैटर्न पर आएगा। पेपर में प्रश्न कुछ इस तरह के पूछे जाएंगे और इस मॉडल पेपर से भी 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। जब आप पेपर देने जाओगे 6 मार्च को, आप देख लेना मेरे प्यारे बच्चों। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 80 बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज जो कि पूरी किताब से है, चित्रकला विषय की किताब से मैंने तैयार कर ली है। यदि आप देखना चाहते हैं 80 महत्वपूर्ण MCQ अर्थात बहुविकल्पी प्रश्नों को, तो आप लोग कमेंट करो, मैं जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, किस तरह के पेपर में प्रश्न आएंगे, सारी चीज़ें इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। साथ ही मैं आपको इस मॉडल पेपर को पूरा पूरा सॉल्व भी कराऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, समय आपको पेपर में कितना मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट का। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा मेरे प्यारे बच्चों 70 अंकों का। यहाँ पर नोट में लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और 3 घंटे का समय आपको मिलेगा पेपर को हल करने के लिए। क्योंकि प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं, इसको आप देखेंगे किस रूप में, पेपर पढ़ने के रूप में, यानी 15 मिनट पहले आपको पेपर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, जिनका पालन करना आवश्यक है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला है निर्देश, अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों में और शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराइए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला निर्देश है, प्रश्न पत्र का खा और गा 3 खंडों में विभक्त है, तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड का में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड का में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको आलेखन कला के ही 20 प्रश्नों का उत्तर करना है, क्योंकि प्राविधिक कला के प्रश्न थोड़ा सा कठिन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आलेखन कला के प्रश्न यहाँ पर आप देखोगे कितना आसान होते हैं। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो, उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप आलेखन कला के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, तो OMR शीट में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है चित्रकला विषय हेतु, फिर लिखा है आलेखन भाग, प्रावैधिक भाग। आलेखन भाग के लिए यहाँ पर इस गोले को काला करना है, प्रावैधिक भाग के प्रश्नों को कर रहे हैं तो आपको इस गोले को काला करना है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे बताया ना कि आप आलेखन भाग के ही प्रश्नों को करिएगा। इसके बाद नीचे जब आप बढ़ेंगे OMR शीट में ही यहाँ पर लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, चित्रकला विषय हेतु सही चिन्ह बनाएं, आलेखन भाग के लिए यहाँ और प्रावैधिक भाग के लिए यहाँ। तो आप आलेखन भाग को ही चुनिएगा, यहाँ पर इस तरह का चिन्ह बना दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आप देख पा रहे हैं आलेखन कला के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको आपको रट लेना है। आलेखन कला के यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 20 अंक के प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है, 20 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। और इन प्रश्नों का उत्तर यदि आपने OMR शीट में सही तरीके से और सही उत्तर भर दिया, तो पूरे पूरे 20 नंबर आपको पक्के हो जाएंगे, आपको पक्के से मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर आप देख पा रहे हैं लिखा है
निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी के चार विकल्पों में से एक सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, मुख्य रंग कितने हैं? विकल्प हैं इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, पहला है विकल्प 3, दूसरा है 2, तीसरा है 5, चौथा विकल्प 7। तो मुख्य रंग कितने हैं, इसका उत्तर हो जाएगा मुख्य रंग हैं 2। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से शीतल या ठंडा रंग कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से शीतल या ठंडा रंग क्या हरा रंग है, लाल रंग है, या नारंगी, या फिर पीला रंग? तो इनमें से हरा रंग कैसा रंग है, शीतल या ठंडा रंग है? लाल रंग मेरे प्यारे बच्चों कैसा रंग है, यह गर्म रंग है। लाल रंग कैसा रंग है, यह गर्म रंग है। लेकिन ठंडा रंग या शीतल रंग कौन सा है, हरा रंग है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 है, यहाँ पर निम्न में से कौन सा रंग गर्म है, यहाँ पर प्रश्न भी आ गया। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या लाल रंग है, नीला, या हरा, या धानी? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, लाल रंग कैसा रंग है, गर्म रंग है। प्रश्न यहाँ पर 4 है, ये सभी प्रश्न आप लोग रट कर जाना, यहाँ से 100% की गारंटी मेरी है कि प्रश्न जरूर आएंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड ने इस मॉडल पेपर को जारी किया था। यहाँ पर प्रश्न है, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प है 8, दूसरा है 7, तीसरा है 6, चौथा है 5। ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं, इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, 8 रंग होते हैं। ओस्टवाल्ड चक्र में कुल 8 रंग होते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि प्रश्न आ जाए कि ओस्टवाल्ड किससे संबंधित है, तो यह रंगों से संबंधित है। किससे? रंगों से संबंधित है। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? क्या नारंगी रंग है, या लाल रंग, या पीला, या फिर नीला? तो दिए गए विकल्पों में से द्वितीयक रंग कौन सा है, इसका उत्तर हो जाएगा नारंगी रंग। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 6 है, तटस्थ रंग कौन से हैं? तो क्या तटस्थ रंग है यहाँ पर सफेद काला, या नारंगी पीला, या तीसरा विकल्प है लाल नीला, या चौथा है हरा पीला? तो तटस्थ रंग कौन से हैं, इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सफेद और काला। ये कैसे रंग हैं? तटस्थ रंग हैं। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? पहला है विकल्प हरा आसमानी पीला, दूसरा लाल नीला पीला, तीसरा विकल्प काला सफेद और भूरा, चौथा विकल्प मेरे प्यारे बच्चों नारंगी धानी और आसमानी। तो प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं, इस प्रश्न का उत्तर होगा लाल नीला और पीला। ये कैसे रंग हैं? प्राथमिक अथवा मुख्य रंग हैं। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? पहला है विकल्प जल रंग, जिसे वाटर कलर कहते हैं, दूसरा विकल्प है तैल रंग, और तीसरा विकल्प है एक्रेलिक रंग, चौथा विकल्प है पेस्टल रंग। तो कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा तैल रंगों का माध्यम क्या होता है, पारदर्शी होता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 9 है मेरे प्यारे बच्चों, सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि सफेद रंग का विरोधी रंग काला रंग है, काले रंग का विरोधी रंग सफेद रंग है, लाल रंग का विरोधी रंग हरा रंग है, और हरे रंग का विरोधी रंग लाल रंग है। इस तरह का एक प्रश्न जरूर आएगा, किसी न किसी रंग का विरोधी रंग जरूर पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? यदि हम लाल रंग में नीला रंग मिला दें, तो हमें कौन सा रंग प्राप्त होगा? क्या बैंगनी रंग बनेगा, या आसमानी, या नारंगी, या फिर भूरा? लाल रंग में नीला रंग मिलाने से हमें नया रंग कौन सा प्राप्त होगा? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, बैंगनी रंग। प्रश्न संख्या 11 है, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? यदि हम पीला रंग और लाल रंग आपस में मिला दें, तो हमें कौन सा रंग प्राप्त होगा?
क्या नारंगी रंग प्राप्त होगा, या दूसरा है विकल्प धानी रंग, तीसरा विकल्प बैंगनी रंग, या चौथा है विकल्प आसमानी। तो पीले रंग में लाल रंग को मिलाने से हमें कौन सा रंग प्राप्त होगा? मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर होगा नारंगी रंग। प्रश्न संख्या 12 है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? पहला है विकल्प 6, दूसरा विकल्प है 2, तीसरा विकल्प है 10, चौथा है 3। मेरे प्यारे बच्चों, द्वितीयक रंग होते हैं 6। यहाँ पर पहला ही विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 13 है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? इसके बाद प्रश्न संख्या 13 है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो पीले रंग का विरोधी रंग क्या नीला रंग है, या सफेद रंग, या हरा रंग, या धानी रंग? पीले रंग का विरोधी रंग है मेरे प्यारे बच्चों नीला रंग। प्रश्न संख्या 14 है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, कला शब्द किस भाषा का है? तो मेरे प्यारे बच्चों, कला शब्द क्या संस्कृत भाषा का शब्द है, या हिंदी भाषा का, या फारसी भाषा का, या पाली भाषा का? कला शब्द है संस्कृत भाषा का शब्द। प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली या अधिक गहरी होती है? पहला है विकल्प 2B, दूसरा विकल्प है HB, तीसरा विकल्प है 2H, चौथा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर H। तो जब हम HB पेंसिल से रेखा बनाते हैं तो वह अधिक काली या अधिक गहरी होती है। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, 2H, दूसरा विकल्प HB, तीसरा विकल्प 2B, और चौथा विकल्प है यहाँ पर 4B। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? इसका उत्तर क्या होगा? 2B पेंसिल से बनाई गई रेखा क्या होती है? हल्की होती है। प्रश्न संख्या यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 18 है, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर विकल्प हैं इस प्रश्न के। पहला है विकल्प 2 नंबर का ब्रश, दूसरा 4 नंबर का ब्रश, तीसरा 6 नंबर का ब्रश हो, या 7 नंबर का ब्रश हो। तो फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए हमको किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना है? 2 नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न संख्या 19 है, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला है विकल्प 4 प्रकार के, दूसरा 2 प्रकार के, तीसरा 3 प्रकार के, चौथा 6 प्रकार के। बनावट की दृष्टि से आलेखन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों 4 प्रकार के। प्रश्न संख्या 20 है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, कह रहा है कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त तो होगा? पहला है विकल्प केंद्रीय आलेखन, दूसरा विकल्प है कोनी का आलेखन, तीसरा विकल्प है किनारी का आलेखन, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो यदि हमें छत के केंद्र को अलंकृत करना है, यानी छत के बीच के पार्ट को अलंकृत करना है, इसको ये मान लीजिए छत है और ये बीच का पार्ट है, केंद्र है, इसको अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? केंद्रीय आलेखन उपयुक्त होगा। तो इसी पैटर्न पर 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रावैधिक कला के भी 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं। आप इनका उत्तर देना चाहते हैं तो इनका भी कर सकते हैं, लेकिन आप आलेखन कला के प्रश्नों को ही सॉल्व करें, यह मेरी सलाह है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, प्रावैधिक कला के प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे। यहां पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड खा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसमें से आपको क्या करना है? खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है, जिसके लिए 30 अंक निर्धारित हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे 30 अंक निर्धारित हैं। तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण से संबंधित इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर दिए गए ड्राइंग शीट पर 22x18 सेंटीमीटर
के आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए, खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियां तथा कुएं के पास घास चरती एक गाय का चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का भी ध्यान दीजिए, जैसे सही संरचना एवं परिपेक्ष के लिए 10 अंक निर्धारित हैं, संयोजन के लिए 5 अंक, सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग करेंगे आप तो इसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं, आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। अथवा आप आलेखन कला के प्रश्न को करते हैं तो बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये आसान प्रश्न है। यहाँ पर दिए गए ड्राइंग शीट पर 16x12 सेंटीमीटर के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए, जिसमें किसी भारतीय पुष्प, कलियों एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो, आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए, कौन कौन से बिंदु? इकाई की मौलिकता, जिसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं, लयात्मक रेखांकन के लिए 5 अंक निर्धारित हैं, उत्तम रंग संगत के लिए 10 अंक निर्धारित हैं और आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव के लिए 5 अंक। तो आप आलेखन वाले इस प्रश्न को ही कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अथवा आप देख सकते हैं प्रावैधिक कला के प्रश्न भी हैं जो कि इस प्रकार से हैं, इनको आप मत करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आप देखेंगे खंड गा, जो कि है स्मृति चित्रण से संबंधित, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस प्रश्न के 2 भाग हैं, का तथा खा, और दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है, यानी 10 नंबर खंड का है और खा का है 10 नंबर का प्रश्न। यहाँ पर 2 का प्रश्न है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए, चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। तो इसी तरह के प्रश्न आएंगे, जैसे कि पत्तियों सहित आम बनाना, पत्तियों सहित अनार या पत्तियों सहित मूली या लौकी का चित्र कोई एक बनाना होगा और जिसके लिए 10 अंक मिलेंगे आप सभी को। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर भी ध्यान देना है, जैसे कि रेखा सहिष्ठों पर 4 नंबर मिलेंगे, आकृति की अनुरूपता के लिए 6 अंक निर्धारित हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद खा में प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए, चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। सुराही का चित्र, खुला छाता, कप और प्लेट या जग कोई एक चित्र बनाना है और चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना है, जैसे कि रेखा सहिष्ठों पर 4 अंक मिलेंगे जिसके लिए, और आकृति की अनुरूपता के लिए 6 अंक। मेरे प्यारे बच्चों यदि आप इन सभी का चित्रों से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, आलेखन कला से संबंधित वीडियो और स्मृति चित्रण से भी संबंधित वीडियो पहले से मौजूद हैं, आप उन वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। तो इसी पैटर्न पर पेपर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। जय हिंद।